इस साल भारी बारिश से पूरे महाराष्ट्र में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से प्याज, सोयाबीन और फूल समेत कई फसलें पानी में डूब गई। वहीं नासिक जिले में कुछ दिन पहले हुई बारिश से मक्के की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। जिले में 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में मक्का का उत्पादन होता है, लेकिन इस साल भारी बारिश के कारण सभी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मकई और प्याज की तैयार फसलों को ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। खेतों में पानी भरने से कुछ की जड़ें सड़ चुकी हैं और मक्के में वृद्धि रुक गई है। किसानों का कहना है कि इस साल खरीफ सीजन में प्रकृति ने बेहद कहर भरपाया है। किसान अब सरकार से खराब फसलों का सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। नासिक की तरह ही दूसरे जिलों में भी मक्के की खेती प्रभावित हुई है। इसके कारण मकई उत्पादन में भारी गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही इससे पोल्ट्री फार्म में कारोबार करने वाली कंपनियों को भी कमी का सामना करना पड़ सकता है। किसानों का कहना है कि जिस तरह से बारिश ने तबाही मचाई है, उससे फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस साल दाम अच्छा मिल रहा है, इसलिए किसानों ने इसकी ज्यादा बुआई की थी, लेकिन उम्मीदों पर सारा पानी फिर गया। बारिश से हुए नुकसान का असर पोल्ट्री कारोबार पर भी पड़ेगा, क्योंकि पोल्ट्री व्यवसाय में हर समय मुर्गियों के लिए चारा तैयार करने के लिए मकई की बड़े पैमाने पर जरूरत होती है। ऐसे में महाराष्ट्र में इसकी कीमतें बढ़ने का अनुमान है। इस साल कई बाजारों में मक्के का दाम 2600 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था, जबकि सरकार ने इसका मक्की का MSP 1962 रुपए प्रति क्विंटल तय किया हुआ है, लेकिन इस बार हुई बारिश ने मक्के की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में माना जा रहा है कि उत्पादन काफी प्रभावित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।